रही है। हमारा राजस्थान न्यूज़ सच दिखाता है। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज़। श्रीगंगानगर जिले में किसान समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए पदमपुर मार्ग स्थित सीसी हेड के नजदीक धरने पर बैठे किसानों पर शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला श्रीगंगानगर रवाना होने से पहले पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में गोलियां चला दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। श्रीगंगानगर किसान समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान शाम लगभग 6:45 पर सीसी हेड के नज़दीक नहर सड़क के बीच खाली जगह पर धरना देकर बैठे थे। समिति ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप दिया था। प्रशासन से आग्रह किया था कि मांगों पर चर्चा करने के लिए समिति के शिष्टमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जावे। प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर आज गौरव यात्रा के दौरान यहाँ मुख्यमंत्री का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाना था। दोपहर 3 बजे काफ़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा होने लगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सीसी हेड के आसपास काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। इसी बीच पदमपुर में शाम 6:30 मुख्यमंत्री की सभा खत्म होते ही हेड पर धरना देकर बैठे किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया। इसी दौरान अनेक किसान नेता घायल हो गए। विरोध करने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तथा प्लास्टिक की गोलियां दागना शुरू कर दी। बताया गया कि समिति के संयोजक रणजीत सिंह, राजू प्रवक्ता सतवीर सिंह, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पृथ्वी पाल सिंह संधू, गैलेक्सी बराड चरण सिंह प्रधान, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बोबी बराड, माकपा नेता रविंदर सिंह तरखान समेत अनेक किसान नेता व किसान घायल हुए। प्रतिपाल सिंह के काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संयोजक रणजीत सिंह राजू के पैरों में चोट लगी है। पुलिस ने इनके सहित अनेक नेताओं को हिरासत में लिया है।